नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाने से आप सबका यूट्यूब राही स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन। सो दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है धात सिंड्रोम। धात सिंड्रोम संस्कृत वर्ड के धातु दोष से निकला है। इट इज़ अ कंडीशन फाउंड इन कल्चर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन विच मेल प्रेजेंट दैट इज सफर फ्रॉम टू मेजर कंडीशंस। फर्स्टली प्री मजोर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, दूसरा इम्पोटेंसी यानी कि नापुंसकता। एंड दे बिलीव दे आर पासिंग सीमन इन देयर यूरिन। इन ट्रेडिशनल हिंदू स्पिरिचुअलिटी सीमन यानी कि वीर्य इज डिस्क्राइब्ड एज अ वाइटल फ्लूइड। द डिस्चार्ज ऑफ दिस वाइटल फ्लूइड आइदर थ्रू सेक्स और मास्टरबेशन इज एसोसिएटेड विद मार्क फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एज वेल एज डिप्रेशन। ऑफन पेशेंट डिस्क्राइब लॉस ऑफ वाइटिश फ्लूइड व्हाइल पासिंग यूरिन। एट अदर टाइम्स मार्क फीलिंग ऑफ गिल्ट कैन बी सीन। टू नाउ आई कम टू द हिस्ट्री ऑफ धात। द टर्म धात गेट्स इट ओरिजिन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धातु विच अकॉर्डिंग टू सुश्रुता संहिता मीन्स एलिक्सर यानी कि अमृत विच कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी। इंडियन डॉक्टर एनन वेग कॉइंड द टर्म धात सिंड्रोम इन 1960 एंड डिस्क्राइब्ड इट एज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग सिम्टम्स लाइक फटीग थकान वीकनेस दुर्बलता एंग्जाइटी यानी कि घबराहट लॉस ऑफ एपेटाइट भूख न लगना गिल्ट यानी कि अपराध सेक्सुअल डिसफंक्शन यौन रोग एट्रीब्यूटेड बाय द पेशेंट टू लॉस ऑफ सीमेन इन नॉक्टर्नल एमिशन यानी कि स्वपन दोष थ्रू यूरिन और थ्रू मास्टरबेशन। द डिसऑर्डर ऑफ धातस हैव बीन एलुसिडेटेड इन चरक संहिता विच डिस्क्राइब अ डिसऑर्डर कॉल्ड शुक्रमेहा इन विच देर इज पैसेज ऑफ सीमेन इन यूरिन। In China, various names such as Shen Kue, Sri Lanka, Pramehe, and other parts of Southeast Asia, Jirian, symptoms and conditions, they are similar to Dha syndrome. Now, I'll be discussing about signs and symptoms of Dha syndrome. Young males are mostly affected. Females can also be affected with excessive vaginal discharge or leucorrhea, which is considered as a vital fluid. Premature ejaculation, shigrapatan or impotence, napunsakta, they are the most commonly seen symptoms. Other symptoms can also be seen like weakness, easy fatigability, palpitations, sleep disturbance, low mood, guilt and anxiety symptoms. Patient complained the subjective feeling that their penis or linker size chota ho gaya hai. So, the treatment of Dhat syndrome is possible. It is possible by two means, either by pharmacological methods or by non-pharmacological methods. Pharmacological methods include antidepressant medications as well as anti-anxiety medications. Non-pharmacological at times counseling stays the mainstay of the treatment. So why is this common in Indian setup? It is common in India due to the fact that there are a large number of people from lower socio-economic strata who hold on to traditional belief about sex. The information that they obtain about this disorder from the traditional source creates anxiety in their mind, comprises many widely spread myths and misconceptions which are conveyed over generations. And lastly, there is lack of awareness and limited communication among family members about condition to generate anxiety about semen loss. सो कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग धात सिंड्रोम आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं और मेरे को यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नंबर है 9872030811। थैंक यू सो मच।